सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हमारे बीएसए अशोक कुमार यादव जी, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे अमर सिंह बाबा जी, हमारे बड़े ही सम्माननीय आदरणीय नेताजी राम सनेही जी, राम सिंह प्रधान जी, कौशल जी, रोहित जी, करण जी, रज्जू जी एवं ये यहाँ के बीच प्रभारी हैं लेखराज जी, राम प्रकाश तिवारी जी एवं मंच पर जो भी उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, सभी को मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे समक्ष उपस्थित हमारे किसान भाइयों, माताएं एवं हमारे पत्रकार बंधु, आज का ये जो कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा 14 तारीख से बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं और जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने भी बताया और बीएसए भी बता रहे थे कि मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी कहीं की नहीं है क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं बता दूं हमारे कुछ भाई ना जानते हो, एक अपेंडिक्स जो शरीर का अंग होता है वो बढ़ जाता है तो उसमें उसको ऑपरेट ही कराना पड़ता है, उस चीज का ऑपरेशन मेरा हुआ था 13 तारीख को और उस वजह से 13 से 27 तक मैं यहाँ नहीं रही हूँ, तो मुझे भी कष्ट था कि जब से कार्यक्रम चल रहे हैं तब से मैं बिस्तर पर थी, तो उतने दिन का तो ये था कि मुझे बिस्तर पे ही रहना था, बट अभी जब थोड़ा सा मौका मिला कि थोड़ा सा मैं स्वस्थ हूँ, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के बीच जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ मिल जाते हैं, हम लोगों की वार्ता हो जाती है, आप लोगों की जो समस्या है वो मेरे तक पहुंच जाती है और मुझे जो कहना है वो मैं आप लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बता देती हूँ, तो मैं अपना ये सौभाग्य मानती हूँ कि मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और दुर्भाग्य यह है कि ज्यादा देर उपस्थित नहीं रह पाऊंगी क्योंकि ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा बैठने के लिए भी ज्यादा देर के लिए डॉक्टर ने मना किया है, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ के बोल दूं। देखिए ये जो भी कार्यक्रम हमारे सरकार के द्वारा चल रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए ही हैं, हमारी जनता के लिए हैं जिन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं अगर उनका लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत कष्ट होता है क्योंकि हम लोगों की ये इच्छा है कि हम लोग हमारे किसान भाइयों की आय को दुगना करें और उस वो आय तभी दुगनी होगी जब आप इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के भविष्य के लिए कि उनकी आय को हम लोग इन योजनाओं के माध्यम से दुगना कर सकते हैं और जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को आगे जाकर जो हमारे किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, कि जैसे हम लोग हमारी जो राष्ट्रीयता का आधार है भारत माता, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी जो मैं सोचती हूँ कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, अगर उससे माता शब्द हटा देंगे तो भारत तो एक सिर्फ टुकड़ा मात्र रह जाएगा, उसी तरह हमारे किसान भाई है, हमारे देश का किसान है 70% से अधिक हमारे देश में किसान है और अगर किसान भाई ही
हमारे देश में नहीं रहेंगे, उनकी आय को दुगना नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इस देश का मतलब कोई नहीं है। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं, हम सभी लोग। आप लोग जो अन्न उगा रहे हैं या दलहन कुछ भी कहें, जो फसल उगाते हैं वही हम लोग खाकर जिंदा हैं। अगर वो नहीं उगेगा भविष्य में तो किस क्या हम लोग पानी पीकर जिंदा रह सकते हैं या हम लोग कंकड़ पत्थर खाकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना, अन्न खाकर ही जिंदा रहेंगे। और पिछली सरकार की अपेक्षा जब से हमारी सरकार बनी है, हम लोगों ने पिछले साल भी पहले जो खरीद होती थी गेहूं की, पिछले साल जो खरीद हुई है 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पिछले साल इस सरकार ने की थी, जो पहले की सरकारों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों को लेकर कितनी चिंतित है। जो यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हैं पंडित दीनदयाल जी का, मैं इनके चरणों में नमन करती हूँ, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी एक ऐसा नाम है कि जिनको हमेशा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता रहती है, और उन्हीं के चिंतन को, उन्हीं के ही कर्मों को लेकर आज हम लोग चल रहे हैं। और हमारी सरकार का भी कहना है कि पहली रो में व्यक्ति तो आराम से उन योजनाओं का या उनको हम लोग लाभ दे सकते हैं, पर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को हम लोगों को कैसे लाभ देना है, ये हमारी सरकार का विषय है, ये उसका चिंतन है। और उसी मूल मंत्र को लेकर हम लोग आज आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जब तक आप लोग साथ नहीं चलेंगे तो हम लोगों के कदम आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ हम लोगों को चाहिए है। और हमारे यहां पर अधिकारी उपस्थित हैं, उन लोगों को भी साथ चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जाएंगे और वो आप लोगों को योजनाओं की जानकारी पूरी तरह से नहीं देंगे तो आप लोग भटकते रहेंगे, आप लोगों का उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी से मैं आग्रह करती हूं, हमारे चाहे अधिकारी बंधु हो या हमारे किसान भाई हो, सभी लोग परस्पर पर आपस में परस्पर संपर्क साधें और सभी योजनाओं का लाभ लें और अपनी आय को दोगुना करें। और जैसे हमारे किसान भाई जिनको आज इस मंच के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जिन्होंने खेत तालाब योजना का लाभ लेकर जिस तरह से तालाब में मछली पालन किया है और मेड़ पर अरहर की उन्होंने फसल होकर जो उन्होंने लाभ लिया है, इनको प्रोत्साहित होता हुआ देखकर हमारे जो किसान भाई और हैं उनको भी इच्छा होगी कि कल को हम भी प्रोत्साहित हों। क्योंकि सिर्फ योजनाएं चलाना ही हमारा सरकार का उद्देश्य नहीं है, उन योजनाओं का लाभ जो किसान भाई ले रहे हैं, अपनी आय को दुगना कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित होकर देखकर जब हमारा दूसरा किसान भाई आगे बढ़ेगा तभी तो हम लोगों को लाभ मिलेगा, तभी हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। और बाकी हमारे वक्ता काफी है यहाँ पर और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बाकी सब लोग भी आप लोगों को योजनाओं के बारे में अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इसी के साथ सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बल्ले मात।